तो गाइज आज के अपने वीडियो में आप लोगों का शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट रिव्यू जिसका नाम है सुपर वैस्मॉल 33 केश काला का रिव्यू, और जानेंगे इसके बारे में कि हमारे बालों को काला करता है कि नहीं, साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऐसे सफेद सफेद बाल जिसमें हमें ये वैस्मॉल के रिजल्ट एकदम क्लियर विजिबल दिखेंगे, ठीक है। तो लाइव डेमो करेंगे, साथ साथ में जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए बहुत चीप नहीं आता है ये हमारा वैस्मॉल 35 रुपीज़ का आता है ये वैस्मॉल सुपर वैस्मॉल 33 केश काला। और कैसे अप्लाई करना है वो भी डिटेल में जानेंगे, पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद देखिए इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, पहले आप अप्लाई कर लिए, 2 घंटे रखिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए अपने बालों को। बस देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, प्राइस हमने आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। देखो कोई भी डाई जब बनती है थोड़े बहुत केमिकल होते हैं, देखिए इसमें थोड़े बहुत केमिकल हैं वो जो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होता है और बाल आपके काले करते हैं कि नहीं करते, कितने टाइम तक टिकता है, ये मैटर करता है। सबसे मैटर करता है कि ये कब तक आपके बालों पर रहता है और ये वॉश करने के बाद कितना जाता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले कर लेते हैं थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखिए 35 रुपीज़ में हमें मिल जाता है ये छोटा सा डब्बा जो 15 ml का है, 50 ml का है, और इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। एक हमें दिखा यहाँ पे, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन बुक और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ग्लव्स वगैरह आपको अपने आप से लेना है 35 रुपीज़ में, और क्या ही देगा इंसान, ठीक है। इसके लगाने से पहले इसको अच्छे से शेक करना है, शेक करने के बाद इसके अंदर की लिक्विड जानते हैं कि कैसा दिखता है, इसके अंदर कैसा मिलता है। तो देखिए हमने ढक्कन को तोड़ा, आपके सामने नया एकदम पैकेट इस्तेमाल किया। और सबसे मेन चीज़ गाइज, ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने खुद से इसको मंगाया है पैसे दे करके, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो देखिए ये कुछ ऐसा कुछ प्योर वाइट नहीं बोलेंगे, बट देखिए कुछ हल्का सा दिख, वाइट में डाला मैंने, कैसा दिख रहा है, हल्का सा ग्रे बोल सकते हैं, हाँ ग्रे कलर में है ये। इस तरीके इसका थिकनेस है, इसका देखिए गाढ़ापन भी इसका सही है, और स्मेल भी ठीक ठाक थी, बहुत बुरी नहीं है। पर ये रहे हमारे डेमो के हेयर, देखिए हम लोग के एक एज के बाद इस तरीके से बाल हो जाते हैं, नीचे से जड़ों से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और ऊपर से बाल ब्लैक ही रहते हैं, तो देखने में बहुत लिटरली ख़राब लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगते हैं ना। तो देखिए अब क्या हम इस पर ट्राई करेंगे अपना वैस्मॉल ताकि हमें क्लियर दिखे कि रिजल्ट कैसा आएगा या कैसा होगा। तो इस पर हम ट्राई करेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम वाइट बाल हैं, आप देख सकते हैं ग्रे भी नहीं है, बिल्कुल वाइट हेयर है हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इसी पे हम ट्राई करेंगे अपना वैस्मॉल 33, और देखिए पूरी अच्छे से वाइट है, हर जगह से लगभग लगभग वाइट है, सामने से आप देख सकते हैं बिल्कुल सन जिसको बोलते हैं सन जैसा सफ़ेद, वैसा ही बिल्कुल सफ़ेद है ये, अगर आप जानते हो तो। अब इस पर हम ट्राई करेंगे, मैंने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, धोने के बाद ही अप्लाई करना है, धोने के बाद सुखा लीजिए उसके बाद अप्लाई करिए। देखिए अब हम इस पर पूरे बालों पर अच्छे से जड़ों तक, इसको जैसे तेल नहीं लगाते हैं, जड़ों तक बिल्कुल लगाना है, अच्छे से पूरा अच्छे से कवर कर देना है, और उसके बाद ही इसको हमें रखना, पहले हम अच्छे से इस पर लगा लेते हैं। जब तक मैं लगा रही हूँ अपने बालों तब तक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए सारे वुमेंस और मेंस दोनों के साथ, क्योंकि ये दोनों के लिए आता है, मेंस के लिए भी आता है और वुमेंस के लिए भी आता है, दोनों ट्राई कर सकते हैं इसको। तो देखिए एक डब्बा मतलब एक पूरा जो 15 ml का ये डब्बा था वो पूरा ऑलमोस्ट खाली हो गया है, और इसको लगा के हमें जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे हमें रखना है। लगाने के दौरान कोई भी एलर्जी नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना ज़्यादा हेयर फॉल ही हुए, थोड़ा बहुत नॉर्मल होते हैं, अदरवाइज हेयर फॉल भी बिल्कुल नहीं है। देखिए 2 घंटे बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, साइड साइड में देखिए यहाँ पे कुछ काला काला काला, क्योंकि ये काला हुआ है। और अब इसको हम जाएंगे और शैम्पू से वॉश करेंगे, देखिए यहाँ पे भी काला दिख रहा है, ये जहाँ जहाँ लगा अच्छे से काला हुआ है, पर इसे प्रॉपर बहुत अच्छे से ऐसे काला नहीं हुआ। अब वॉश करके देखेंगे कि ये सारा कलर छूटता है कि नहीं छूटता है। देखिए ये नेचुरल रखता है, मैं आपको बता दूँ, देखिए देखिए आपके बालों में ऐसा लग नहीं रहा, बहुत डाई लगाते हैं बिल्कुल काला हो जाता है। हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिलता है देखने को। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद बाल थे वो थोड़े से ग्रे हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हुए हैं और ना बहुत ज़्यादा ये जेड ब्लैक बोल सकते हैं, ना बिल्कुल सन है, बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल रखने की कोशिश की है इस वैस्मॉल केश काला ने। और ये देखिए साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको रिजल्ट कैसा लगा। मैंने एक बार पहली बार इस्तेमाल किया है, जो सन जैसे सफ़ेद थे इसने इसको जेड ब्लैक ना करके बिल्कुल नेचुरल ग्रे रखने की कोशिश की ताकि देखने में बिल्कुल नेचुरल लगे, डाई वाई लगाए ऐसा ना लगे। तो मुझे पर्सनली इसका
पॉजिटिव ये थिंग ऐसा लगा, और आप मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा लगा। फिलहाल मुझे इसको अप्लाई करने के दौरान और हेयर वॉश करने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं लगे और हेयर फॉल भी नहीं हुआ, और इस तरीके का ये रिजल्ट मुझे देखने को मिला एक बार ही अप्लाई करने के बाद। तो इसके बिहाफ पे आप कमेंट के ज़रूर बताइएगा कि ये रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। इसने कोशिश की है, जो मैं पॉजिटिव वे में देखूँ तो इसने कोशिश की आपके बालों को नेचुरल कलर देने की, जो कि एक मतलब एक से दो बार तीन बार चार बार आप लगाएंगे तो मे भी आपका और भी थोड़ा काला और बिल्कुल नेचुरल रखे आपके बालों को, बिल्कुल जो जेड ब्लैक आते हैं जैसे कि डाई लगा लो तो जो कैसा कलर आता है वैसा कलर नहीं देने की कोशिश की है। बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये लगाने योग्य है कि नहीं है। तो होप आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक को शेयर करेगा सभी मेंस और वुमेन्स के साथ। तो इस तरीके से अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यू अगर आपको और भी चाहिए जो कि ऑनेस्ट और लाइट डेमो के साथ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।